हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूँ, मोस्टली वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी टॉपिक्स पे कुछ वीडियो कराना है या किसी डॉग्स ब्रीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के कॉल्स आए कि सर आप वीडियो करते हो, सारी जो बाहर की ब्रीड्स हैं उनके ऊपर आप वीडियो करते हो, वो ठीक है, बट हमारी इंडियन ब्रीड्स के ऊपर भी कुछ वीडियो करो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने आज एक वीडियो करने का सोचा कि आज एक वीडियो करते हैं, आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इंडिया की सबसे जो बेस्ट 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और इंडिया में के वेदर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग की स्टेट्स में वो अवेलेबल होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और अब से सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है और भी लोगों तक पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर प्लीज़ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। तो अब बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में जो हम डॉग रख रहे हैं, जो इंडिया के डॉग हैं, जो सबसे स्ट्रांग डॉग हैं, एक पहले नंबर पर है बुल्ली कुत्ता। ये हमारी इंडियन ब्रीड्स है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे जैसे हरियाणा, राजस्थान या पंजाब जैसी जगहों पे ये डॉग काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस है और अब तो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि यहाँ से लोग फॉरेन तक में, विदेशों तक में इस डॉग को लेके जाते हैं। इस डॉग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज़ का डॉग होता है और यहाँ पे लोग इसको पहले डॉग फाइट में यूज़ करते थे या कभी हंटिंग के लिए भी यूज़ करते, बट बेसिकली इसका जो यूज़ था वो डॉग फाइट के लिए काफ़ी यूज़ करते थे लोग। बट ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग होता है। अब तो उतना डॉग फाइट और ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट इन पे काफ़ी सख्त रहती है इन चीज़ों को लेके और ये एनिमल क्रुएल्टी के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें, तो डॉग फाइट नहीं होती हैं या कराते हैं तो इन चीज़ों का हमें आइडिया नहीं। बट बहुत ही स्ट्रांग ब्रीड है ये हमारी इंडिया की। अगर हम बाकी दुनिया की और भी ब्रीड्स को देखें तो और कंपेयर करें तो ये हमारी ब्रीड बाकी किसी ब्रीड से कहीं भी कम नहीं है, किसी भी तरह से कम नहीं है। और शॉर्ट हेयर में होती है, सबसे बड़ी बात है इसकी, बहुत ज़्यादा हेयर इसके ऊपर नहीं होते और मेंटेनेंस भी इसका बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खर्च नहीं है इस ब्रीड के ऊपर। तो इसी उसमें जो हमारी इंडिया में सेकंड ब्रीड है वो है गद्दी कुत्ता। गद्दी कुत्ता एक बहुत ही फेमस ब्रीड है और बहुत ही ओल्ड ब्रीड है। आप पहाड़ों में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे और पहाड़ों में तो यहाँ तक बोला जाता है कि पहाड़ी लोग अपने गद्दी कुत्तों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपने घर से कोई भी सामान अगर आप उनसे लें तो दे देंगे मगर वो गद्दी कुत्ता आपको कभी नहीं देंगे, इतना ज़्यादा इनको प्यार करते हैं। क्योंकि उनका अगर देखें तो उनकी सारा सब कुछ जो संभालते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर कुत्तों का बहुत ज़्यादा एक अहम रोल रहता है उन चीज़ों में। आप अगर उनकी देखें तो खेतों में अगर उनकी कोई वाइल्ड बोर या कोई ऐसे एनिमल आते हैं जो उनकी फसलों को नुकसान करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हैं ये, या फिर जंगली जानवर उनके यहाँ पे आते हैं जो उनके एनिमल्स के लाइव स्टॉक या फैमिली में जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना पहुँचाएं, उसके लिए ये बड़े ज़बरदस्त डॉग होते हैं और ये अपने ओनर की सिक्योरिटी गार्डिंग के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार होते हैं। मस्कुलर बॉडी, बहुत ही एकदम स्ट्रांग कदकाठी के डॉग होते हैं ये, पहाड़ों में आपको बहुत इजी देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में कई और जगहों पे इनको रखा जाता है। लॉन्ग हेयर ब्रीड होती है, उसका रीज़न है क्योंकि ये पहाड़ की ब्रीड है और पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो लॉन्ग हेयर होने की वजह से वो जो कोट है इनका, इनको ठंड से बचाता है। तो ये एक इंडिया की जो बहुत ही एक स्ट्रांग ब्रीड है। इसमें जो तीसरे नंबर पर ब्रीड है वो है रामपुर हाउंड। रामपुर हाउंड आपने बहुत लोगों में पहले सुना होगा कि हंटिंग डॉग हुआ करते थे इंडिया में, जो लोग जिनको शिकारी कुत्ते भी बोलते थे। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे यूपी साइड में रामपुर यूपी की एक जगह है, सिटी है यूपी का, और वहाँ पे ये वहाँ की के नाम पे ब्रीड है, उस सिटी के नाम पे जैसे ब्रीड है। तो रामपुर हाउंड को हंटिंग में यूज़ किया जाता है, बड़ा एथलीट टाइप की ब्रीड होती है, मस्कुलर ब्रीड है और हंटिंग के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड है। तो पुराने जो राजा महाराजा थे उस समय के, जो पुराने लोग थे, इस ब्रीड को हंटिंग में यूज़ करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। शॉर्ट कोट ब्रीड है, लो मेंटेनेंस, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस इस ब्रीड का नहीं है और
अलग अलग तरह के कलर कोड में आता है, फॉन कलर, ब्लैक, ब्रिंडल, कई तरह के कोड्स इसमें आते हैं। तो एक ये हमारे इंडिया की एक बहुत ही फेमस स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। इसी में एक ब्रीड है जो अगली फोर्थ नंबर पे है, राजपलयम, जो हमारा साउथ इंडिया का जो कुछ स्टेट्स हैं जो वहाँ पे, उस जगहों पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राजपलयम इतनी, मैं आपको बताऊँ, इतनी प्यारी ब्रीड है। मैंने इसको लाइव भी देखा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा और मस्कुलर ब्रीड, शॉर्ट कोट में एकदम। तो ये हमारे जो है गार्डिंग के लिए और फैमिली डॉग के लिए भी लोग इसको वहाँ पे रखते हैं, और बहुत ही अच्छी ब्रीड है और किसी तरह की मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिजीज़ या वो कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमारी इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं जो यहाँ पे हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड हैं जिनको अगर हम कोशिश करें तो इनको बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। इसमें एक ब्रीड और है जो बड़ी फेमस हुई थी, उसका फेमस होने का रीज़न था जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने एक ब्रीड को कहा था कि किया था कि इंडियन ब्रीड्स को हम आगे ट्रेनिंग में क्यों नहीं लेके जा सकते, या इंडियन ब्रीड्स को आगे ट्रेनिंग में प्रमोट करें। तो जो है मधुल हाउंड, जिनका ट्रायल भी हुआ इंडियन आर्मी में और जो कि बहुत अच्छे अभी काम भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनेबिलिटी के साथ, बड़े मस्कुलर डॉग, साइज़ बहुत अच्छा और बड़े स्ट्रॉन्ग है हर पर्पज़ में। चाहे आप ट्रेनिंग में आप देखो, बहुत अच्छे इजी ट्रेन हुए हैं, आपने काफ़ी न्यूज़ में पहले देखा भी होगा। तो मधुल हाउंड एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है हमारे इंडिया की। तो ये बेसिक फाइव ब्रीड थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर कि और भी कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं इंडिया में जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है मैंने एक दो ब्रीड और कुछ मेरे से छूट गई हो या मुझे उनके बारे में ना पता हो, तो आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने जिस जिसके पास ये ब्रीड्स हैं, जिन लोगों ने ये ब्रीड्स रखी हुई हैं, उन लोगों का इस ब्रीड्स के साथ, इन ये जो मैंने ब्रीड्स आप लोगों को बताई हैं, इनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आप लोग ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करना कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस इन ब्रीड्स में के साथ कैसे हैं, ये ब्रीड्स कैसी हैं, और क्या हम इन ब्रीड्स को जो हम जो बाहर की जितनी विदेशी ब्रीड्स यहाँ पे आती हैं, फॉरेन से हम लेके आते हैं, उनसे किस तरह से ये ज़्यादा बेटर हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है ये ब्रीड्स, या जितना एक्सपीरियंस लिया है, ये ब्रीड बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि हमारी जितनी भी ब्रीड्स हैं ये बहुत सालों से जो है यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे अडॉप्ट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है बाहर की ब्रीड्स नहीं, यहाँ पे के जो वेदर है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया, कर लिया, बट ये यहीं पे पैदा हुई हैं, यहीं से इनका आगे ये ब्रीड्स बढ़ी हैं। तो अगर किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस डॉग के ब्रीड्स में और हमसे और भी अच्छा पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हमारी डॉग ब्रीड्स को और हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी डॉग ब्रीड्स को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, अगर किसी के पास इंडियन डॉग ब्रीड्स ये हैं तो आप हमें कमेंट्स करके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दें, तो हो सकता है कि हम उन वीडियो डॉग्स का लाइव वीडियो करेंगे। थैंक यू।